शिवपाल की पार्टी को लगा धक्का। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के जिला अध्यक्ष ने अपने 100 कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने सभी को समाजवादी पार्टी में सदस्यता दिलाई है, जिससे कहीं न कहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। समाजवादी पार्टी से अलग हुए शिवपाल यादव ने अपनी नई पार्टी बनाई थी, जिसमें आने वाले समय में 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही थी। और साथ ही शिवपाल यादव का बयान आया था कि अगर समाजवादी पार्टी उन्हें सम्मान देगी तो समाजवादी पार्टी के साथ जरूर गठबंधन करेंगे। लेकिन मुरादाबाद में समाजवादी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने साफ कर दिया था, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव फैसला लेंगे वही माना जाएगा। उससे कहीं ना कहीं शिवपाल की पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है, और जिसके बाद वह सभी पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। प्रोफेसर तला खान प्रगतिशील समाजवादी लोहिया पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, जो आज अपने 100 कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। तलहा खान ने जानकारी देते हुए बताया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कार्य हो रहे हैं वह गलत है, जिसके चलते सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, समाजवादी पार्टी। इसलिए समाजवादी पार्टी में अपने 100 कार्यकर्ताओं के साथ वह शामिल हुए हैं। प्रोफेसर तलहा खान, कौन सी पार्टी में था? मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में जिला अध्यक्ष के हैसियत से काम कर रहा था, और अभी आज हम लोगों ने, जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने भी बताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों से प्रभावित होकर, माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों से, हमने अपने पूरे दल के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। हमारे साथ युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव शेखर चौहान साहब हैं, विधानसभा अध्यक्ष ठाकुर द्वारा वसीम अहमद अंसारी साहब अपने साथियों के साथ हैं, इंजीनियर महफूज हुसैन साहब हैं जो विधानसभा प्रभारी हैं, हमारे साथ विवेक ठाकुर। एक बात का जी, आप उस पार्टी में थे तो उस पार्टी में क्या बेनिफिट नहीं मिल पाया कि इस समाजवादी पार्टी में आप ज्वाइन? देखिए, मैं क्या वजह थी, जब उस पार्टी में था तो बेनिफिट के लिए नहीं था। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नया दल था, उसमें संगठन को बनाने के लिए मेहनत करी है और कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा संगठन में लोगों को जोड़ा जाए। हम लोगों ने क्षेत्रों में जाने के बाद समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। तो जब हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में काम कर रहे थे तो किसी बेनिफिट से काम नहीं कर रहे थे, हम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है उसको बाहर निकालने का काम कर रहे थे। आज जो मौजूदा हालात इस उत्तर प्रदेश के अंदर बन गए हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर काम करें। और ये चीज़ हम लोगों के सामने है और आप लोगों के भी सामने होगी कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी का विकल्प केवल समाजवादी पार्टी है। तो जब हम लोग समाजवादी विचारधारा की बात करते हैं क्षेत्रों में जाने के बाद, तो हमें ये महसूस हुआ कि अब हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर ताकत के साथ लड़ना चाहिए, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा स्थिति और जो उनकी असलियत है वो लोगों के बीच में आ सके। कितने लोग आज पार्टी में शामिल? आज मेरे साथ लगभग 100 लोग ज्वाइन हुए हैं, और कोशिश मेरी ये रहेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप ज़्यादा बड़ी ज्वाइनिंग करते हैं, तो आज कोविड भी था और भी बहुत सारे मसले ऐसे रहते हैं जहाँ पर हमने कोशिश करी है कि कम से कम लोगों को भी बुलाया जाए। अब इसके बाद हमारा ये ज्वाइनिंग का सिलसिला दोबारा भी रहेगा, और भी साथी हमारे समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। वही समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि तलहा खान साहब प्रोफेशन हैं, उनके आने से समाजवादी पार्टी को मजबूती मिली है, और आने वाले MLC चुनाव में हमारे साथ शिक्षक और आए हैं, और मुरादाबाद बरेली MLC का चुनाव समाजवादी पार्टी जीत रही है। साथ ही उन्होंने आए कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। क्या नाम है सर आपका? जयवीर सिंह यादव जी, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। आज कितने मेंबर आपके, कौन सी पार्टी के कितने जुड़े हैं? आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हमारे प्रोफेसर तला खां हैं, जो शेफलर मोर्चा के अध्यक्ष थे, उसको छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है, और उनके साथ तमाम ही उनके साथियों ने जो उनके संगठन के पदाधिकारी थे वो भी आज समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग करी है। इन्हीं के साथ हमारे MH डिग्री कॉलेज के 3 प्रोफेसर हैं, दीक्षित जी हैं, पांडे जी हैं, शुक्ला जी हैं, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है, क्योंकि 1 तारीख को शिक्षक MLC का चुनाव है, उसमें हमारी पार्टी से संजय कुमार मिश्रा जी प्रत्याशी हैं, उन्हीं की मजबूती, इन सब प्रोफेसरों के आने से मजबूती मिलेगी समाजवादी पार्टी के जो शिक्षक MLC के चुनाव में मजबूती मिलेगी। इसी में हमारे तला भाई का भी बहुत बड़ा सहयोग रहेगा, क्योंकि ये भी शिक्षक वर्ग से आते हैं, तो इसी के आज इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी
की नीतियों को देखते हुए प्रभावित होकर इन्होंने आज अपने दल को छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। मैं समाजवादी पार्टी परिवार की तरफ से, जनपद मुरादाबाद समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने छोटे भाई तलाह को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और इनके आने से जो समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। समाजवादी पार्टी सभी साथियों से समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, विधायक, एमपी, पूर्व विधायक, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सभी से मेरा यही आग्रह है, निवेदन है कि आने वाली 1 तारीख को शिक्षक एमएलसी के चुनाव में जुट जाएं, पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संजय कुमार मिश्रा जी को जिताने का काम करें। उसमें किसी की ये नहीं देखें कि उसने मुझसे नहीं कहा है, इसने नहीं कहा, सब लोगों की जिम्मेदारी पड़ती है। जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने किसी को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया है तो समाजवादी पार्टी को जिताने का सभी काम करें। आज समाजवादी पार्टी में आप देख रहे हैं कम से कम 100 लोग यहाँ तला भाई के साथ में समर्थन में समाजवादी पार्टी की ज्वाइनिंग करी है। तो मैं सभी जो इनके साथ साथी आए हुए हैं, वसीम अहमद हैं और भी बहुत लोग हैं जो ठाकुर द्वारा से लेकर कुंदर के बिलारी सभी क्षेत्रों से इनका पूरा संगठन था, वो सब समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग करी है। मैं इनका बहुत बहुत पार्टी में आने पर आभार व्यक्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।